क्या है, ये सर्वमान सत्य है। हम सभी सर्व दुखों की निवृत्ति, चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति चाहते हैं। और ये सब बात किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है। अमुक प्रकार की परिस्थिति में हमको सर्व दुखों की निवृत्ति होगी, चिर शांति होगी, जीवन मुक्ति भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। और किसी वस्तु के आश्रित भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के आश्रित भी नहीं है, किसी अवस्था के आश्रित भी नहीं है। तो जिसकी प्राप्ति किसी परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु व्यक्ति अवस्था की अपेक्षा नहीं रखती, उसकी प्राप्ति अपनी प्राप्त परिस्थिति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? यदि हम परिस्थिति को साधन सामग्री के रूप में स्वीकार करें, उसको उसमें जीवन बुद्धि न रखें, तो प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से हम बड़ी सुगमता पूर्वक सभी परिस्थितियों से अतीत जो अविनाशी स्वाधीन रसरूप जीवन है वो मिल सकता है। जो सभी परिस्थितियों से अतीत है वही हम सबका अपना है, उसकी हमें प्राप्ति हो सकती है परिस्थिति के सदुपयोग से। अब आप कहेंगे परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? तो परिस्थिति का अर्थ है सुख और दुख। ये बात अलग है, किसी में अधिक दुख हो, कम सुख हो, कम सुख हो, अधिक दुख हो, ये हो सकता है। लेकिन सुख दुख का ही दूसरा नाम परिस्थिति है और सुख दुख का ही नाम संसार है। तो सुख दुख के सदुपयोग से हम सुख दुख से अतीत जीवन पा सकते हैं। और सुख दुख का सदुपयोग क्या है? ऐसा लगता है कि सुख का सदुपयोग उदार होने में है, सेवा करने में है, और दुख का सदुपयोग विरक्त होने में है, त्याग करने में है। जो दुख में विरक्त है, जो सुख में उदार है, अथवा यहां को जो सुख में सेवा करता है और दुख में त्याग को अपनाता है, वो सेवा और त्याग के द्वारा स्वतः सुख दुख से मुक्त होकर चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त कर लेता है। अब हमें किससे मुक्त होना है? सुख और दुख से। दुख से तो सभी मुक्त होना चाहते ही है, परंतु सुख से मुक्त नहीं होना चाहते। बस यही एक हमारी भूल है कि हम सुख से मुक्त नहीं होना चाहते। सुख को पसंद करते हैं, तो सुख को पसंद करते हैं अपनी मर्जी से, और दुख भोगना पड़ता है बेबसी से, मजबूरी से। ऐसा होता नहीं कि सुख को भोगते रहे और दुख भोगना पड़े, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसलिए हमें सुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे हो? तो सुख में और रस में एक बड़ा भेद है। वो भेद क्या है कि सुख भोगने से भोगने की शक्ति का ह्रास होता है और भोग सामग्री का विनाश होता है। ये प्राकृतिक विधान ही है। अगर आप लोगों में किसी भाई बहन का ऐसा अनुभव न हो तो बीजो तर्क कर सकते हैं। सुख भोगने से भोगने की शक्ति का ह्रास और भोग सामग्री का विनाश होता है, स्वाभाविक बात है, होता ही है। इसलिए हमें सुख से मुक्त होना है। कैसे हो सकते हैं?
सुख दुख से अतीत जो जीवन है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसकी हम आवश्यकता अनुभव करें, आवश्यकता अनुभव करें। जब हम अपने द्वारा अपने लिए परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करेंगे, तब सुख भोग की रुचि नाश हो जाएगी। स्वाभाविक बात है। और जब सुख भोग की रुचि नाश हो जाएगी, तब देह का, शरीर का जो तादात्म्य है, जो संबंध है, वो टूट जाएगा। अब सुख भोग की रुचि का नाश होने से शरीर और संसार का संबंध टूट जाता है। ये नहीं कि भोग की रुचि का नाश होने से अभी शरीर टूट गया, तो नहीं, शरीर तो टूटेगा ही, अभी तो नहीं टूटेगा, इस बार से नहीं टूटेगा, लेकिन जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा ही, उसमें परिवर्तन हो ही रहा है। तो शरीर के तोड़ने का प्रश्न नहीं है, संसार के छोड़ने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि शरीर और संसार से हमारा संबंध न रहे, हमारा संबंध जुड़ जाए। शरीर का संसार का संबंध नहीं टूटेगा, वो तो अभिन्न है, दोनों एक जात के हैं। तो संसार से हमारा जो चालघटन जीवन में नहीं रहता। आप कोई ऐसा दुख बताइए कि जिसका दृष्टि से संबंध न हो और दुख हो जाए, अथवा कोई सुख बताइए। सुख दुख संसार के संबंध से ही होता है, और जब संसार का संबंध टूट जाता है तो सुख दुख भी छूट जाता है। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ये भी कह सकते हैं, और परमात्मा संबंध हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति में या परमात्मा के संबंध को स्वीकार करने में किसी प्रकार की अस्वाभाविकता, असुविधा नहीं है संबंध स्वीकार करने में। लेकिन कब, जब संसार से संबंध नहीं रहता तब। और संसार संबंध कब नहीं रहता, जब हमें अपनी वास्तविक मान का अनुभव हो जाए। हमारी वास्तविक मान क्या है, इसका अनुभव हो जाए तो शरीर और संसार संबंध संबंध टूट जाता है। शरीर रहता है, संसार भले किसका भी रहे, लेकिन संबंध टूट जाएगा। और यही एक ऐसा मौलिक सत्य है, एक स्वाभाविक सत्य है कि संसार के संबंध टूटने से हम अगर अध्यात्मवादी हैं तो अपने में संतुष्ट हो जाते हैं। संसार का संबंध टूटने से हम अपने में संतुष्ट हो जाते हैं, और अपने में संतुष्ट होने से हमें परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा अपने में भी है। अपना तो है ही है, पर अपने में भी है। और जब हम संसार से संबंध नहीं तोड़ते हैं, तब परमात्मा के रहते हुए भी हम स्वयं परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। अब आप सोचिए, आपके सामने जो प्रश्न है वो ये नहीं है कि क्या बताएं, हमको अमुक प्रकार की वस्तु प्राप्त नहीं हुई, योग्यता प्राप्त नहीं हुई, सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम परमात्मा से दूरी अनुभव कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा से दूरी अनुभव कर रहे हैं,
जिसे हमने अपनी मर्जी से संसार से संबंध लिया, संसार का संबंध संसार नहीं, शरीर नहीं, शरीर और संसार का संबंध कोई वस्तु नहीं, वह कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु और व्यक्ति का संबंध जिसे हम स्वीकार करते हैं, उस हमारे बनाए हुए संबंध से ही हम परमात्मा से दूरी अनुभव करने लगते हैं, भेद अनुभव करने लगते हैं, भिन्नता अनुभव करने लगते हैं। यदि हम अपने जो बनाए हुए संबंध को तोड़ दें, अर्थात जो कुछ हमें शरीर और संसार के रूप में प्रतीत होता है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सत्य को अनुभव करें, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है नहीं मेरा कुछ, है नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, यही दो बातों में संबंध टूटता है। और ये दोनों बातें निज ज्ञान से सिद्ध हैं, आप ज्ञान पूर्वक ये भली बात जानते हैं कि किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु की स्वतंत्र स्थिति नहीं है। स्वतंत्र स्थिति का क्या होता है, आप संसार के संबंध में ये निर्णय दे सके कि ऐसा है, ये आपका निर्णय नहीं हो सकता। वैसे तो अनेक दार्शनिक दृष्टिकोण है, सबने कुछ न कुछ संकेत किया है, पर जैसा जिसने संकेत किया है वैसा ही है ऐसी स्थिति, क्योंकि है तब उसके लिए कहा जाए जिसकी स्थिति हो, परिवर्तन का प्रवाह चल रहा हो, उसमें स्थिति कैसे कहेंगे आप। तो जिसकी स्थिति नहीं है उसमें अपना करके कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। आप विचार करके देखें कि जैसे शरीर के परिवर्तन का आपको अनुभव हो रहा है, उत्पत्ति का, विनाश का, परिवर्तन का अनुभव हो रहा है, ऐसे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को अपने परिवर्तन का अनुभव नहीं होता, न उत्पत्ति का अनुभव हो। बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो ये तो कह सकते हैं कि शरीर की उत्पत्ति हुई, पर कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि मैं की उत्पत्ति हुई। मैं की उत्पत्ति की बात किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक सिद्ध नहीं कर सका, और मैं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा कोई दार्शनिक भी सिद्ध नहीं कर सका, क्योंकि मैं की खोज की तो है मिल गया और मैं मिल गया। अब जो चीज विज्ञान से और दर्शन से सिद्ध नहीं है उसको मानते रहना ये भूल है। आप कहेंगे दर्शन क्यों नहीं मैं घोषित कर सका, आप विचार करके देखो जिसे आप मैं करके अनुभव कर रहे हैं क्या उसका कैसे संबंध हो सकता है कभी। अच्छा हो तो नहीं सकता, हो सकता नहीं है ही नहीं और होगा भी नहीं, पर आप ये मेरा है ऐसा किस आधार पर मानते हैं। जिस वाणी से बोल रहा हूं वाणी मेरी है, इसमें क्या हेतु है, कैसे मान लेते हैं आप, जबकि आप जानते हैं कि मैं का ऐसे संबंध है भी नहीं, हो सकता भी नहीं, कभी होगा ही नहीं। और जब मैं का ऐसे संबंध नहीं रहता, अगर ऐसा आप ठीक अनुभव कर लें, तो आप में किस प्रकार की प्रचिन्नता रहती है वो तो बताइए। और जब प्रचिन्नता नहीं रहती तो जो अप्रचिन्न परमात्मा है उससे दूरी कैसे बनी। तो
जो जीवन का सत्य है हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है, देखो भाई कोई बुरा तो मानना हो और ठंडी देवी से सोचना, जो चीज ज्ञान से सिद्ध है क्या उसके लिए भी प्रमाण चाहिए? तो ज्ञान क्या हुआ? तो विश्वास हो गया। विश्वास में और ज्ञान में यही तो फर्क है कि जो चीज ज्ञान से सिद्ध है उसके लिए प्रमाण वास्तव में चाहिए नहीं। तो जी क्या ज्ञान से सिद्ध है? कि मैं का और यह का मिलन देखा नहीं गया। हाँ ये बात अलग है कि मैं स्वयं यह में ममता कर ले, यह की कामना कर ले, जिसमें वो स्वाधीन है, तो मैं यह की ममता मैंने स्वीकार की कि यह ने विवश कर दिया ममता करने के लिए। क्या मैंने स्वीकार की? आपने स्वीकार की। जब आपने ममता स्वीकार की, क्या वो ये ममता इसकी मेरी है, ये ज्ञान से सिद्ध है क्या और विश्वास से सिद्ध है क्या? न ज्ञान से सिद्ध है न विश्वास सिद्ध है। फिर जीवन में ममता का क्या हिसाब? विचार करके देखा जाए, ये बात अलग है कि आप स्वीकार की हुई ममता को कैसे तोड़ेंगे, वो तो उसके लिए तो और दूसरा उपाय भी चलेगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ममता आपने किस आधार पर स्वीकार की जबकि आपके ज्ञान से सिद्ध नहीं है? हाँ एक बात कह सकते हैं, हमें मालूम नहीं है कब स्वीकार की, पर ज्ञान का विरोध है इसलिए कोई चीज मेरी है नहीं, ये बात कह सकते हैं। जब ये कह सकते हैं तो मेरी नहीं है जो चीज, और आज मैं उसको अपना मान करके, जैसे वाणी मेरी नहीं है पर मैं अपना मान करके मुझे बोलने की स्वाधीनता मिली, तो ये जो बोलने की स्वाधीनता मिली तो क्या वाणी से ऐसी बात बोलना चाहिए जिसमें श्रोताओं को कष्ट हो, क्या है, या उनका अहित हो, या अपने ज्ञान का विरोध हो, क्या है? नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए, क्या है जी? ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा जब ज्ञान विरोधी कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान के अनुरूप कर्म होगा या निबंध हो जाएगा जी? क्या क्या? अरे ज्ञान विरोधी कर्म जब नहीं करेंगे तो ज्ञान के अनुरूप कर्म होगा कि नहीं? उसी कर्म के द्वारा योग की प्राप्ति होती है। जो लोग ये कहते हैं कर्म से योग की प्राप्ति नहीं होती, मेरी समझ बात नहीं आती। भाई ज्ञान विरोधी कर्म आपने छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, तो क्या सच बोलना नाश हो गया? हाँ एक बात है, उस सत्य बोलने का फल मुझको नहीं चाहिए। अगर फल चाहिए तो पुण्य होगा, लोग लोकांतर के उत्कृष्ट भोग मिलेंगे, और नहीं चाहिए तो जीवन मुक्ति मिलेगी। लोग कैसे ये कह देते हैं कि कर्म के द्वारा मानव मुक्त नहीं हो सकता? मुक्त हो सकता है लेकिन कर्म के फल का और अभिमान का त्याग करके, गलत काम करे नहीं, सही का अभिमान फल माने नहीं। अब बताओ कौन सी चीज मांगने वाली रहेगी? अहंकार कैसे सुनता है? अहंकार क्या क्या अहंकार संबंध कैसे सुनता है? क्या किसके साथ? अहंकार नहीं, अहंता नहीं रहती है। कर्म देखो एक होता है, जैसे आप भोजन करते हो तो अहंता रहती है, चाल में चार सूर्य ज्यादा खा लिए, लेकिन जब भोजन पचता है तो क्रिया होती है कि नहीं? क्रिया बंद नहीं हुई ना, लेकिन आप मान के अध्ययन तो नहीं करते, मैंने भोजन किया था इतना अवसर से पचा लिया और इस रूप में है, आपको भास होता है कि नहीं? अच्छे कर्म करने का तो सुनो तो सही, अच्छे कर्म करना तो बेईमानों का काम है, बुरा अपमान ये गिनती है। बुरे कर्म का प्राश्चित है अच्छे कर्म करना। अगर बुरे कर्म नहीं करते तो अच्छे कर्म का अभिमान आएगा?
Maestro, el alma de la turni, pues aquí pone el alma de mi alma. Sí, además, hasta ahí, hasta ahí, ya a poner y volte. हमें सत्यवादी और सूची में नाम हो जाए और सत्य बोलने का जो पुण्य है वो हमको मिल जाए तब वरदान होता है झूठ बोलते हैं भोग की रुचि को लेकर और सत्य बोलते हैं पुण्य की रुचि को लेकर लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सत्य का ही बोलेगा झूठ का ही बोलेगा सत्य बोलेगा झूठ उसको उसका आनंद क्या करेगा ठीक है आप विचार करके देखो भाई भाई विचार से जैसे मालूम होता है कि सत्य बोलते हैं तो उसमें भी कर्तृत्व का अंश रहता है नहीं कर्तृत्व का अंश रहता है करने की राग निवृत्ति के लिए न कि करने का फल भोगने के लिए अरे बिना गुरु की वाणी के गुरु जी से पूछ तो लेगा भी मजा कर रहा हूँ मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सत्य बोलते इसलिए कि बोलने के राग को मिटा नहीं सके अगर हमारे जीवन में करने का राज न होता तो हमारा शरीर से तादाद होता ही क्यों हमें ये क्यों मालूम होता कि हमारा जन्म हो गया हमारी मृत्यु हो गई मानने से होता है तो मानने से होता है इसलिए भाई बोलना है किस लिए देखिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे हम कर्तव्य पथ के साधक हो चाहे हम विचार पथ के साधक हो चाहे हम विश्वास पथ के साधक हो साधक है ये मानना पड़ेगा अगर कोई विचारक है तब भी तो साधक ही सिद्ध थोड़ी है और विश्वासी है तब भी तो साधक ही सिद्ध थोड़ी है तो कर्तव्य पथ का भी हमारे जीवन से संबंध है और विश्वास पथ का भी हमारे जीवन से संबंध है और विचार पथ का भी हमारे जीवन से संबंध है कर्तव्य पथ हमें करने के राज से मुक्त करता है ये तो अपना व्यक्तिगत लाभ हुआ और हमारे द्वारा संसार के अधिकार की रक्षा होती है ये बाह्य लाभ हुआ महान विरक्त हो ज्ञान योगी की गुम हो और भूख लगती है तो कहा हमने देखा है कि जब साधु विरक्त लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पैर चर्चा क्या होती है हम भी तो विरक्त हो रहे घुसे हैं तो चर्चा ही होती है कहाँ से आए संत जी यहाँ से आए अच्छा भगवान वहां भिक्षा की चाली कैसी है अरे हमने एक महाविरक्त मंडल में बड़े महापुरुष थे जो पंडित कहलाते थे विरक्त मंडल के वो कह रहे थे कि हम पहले कुंभ में जब आए थे तो हमने ऐसा अमरूद खाया था जब बीज नहीं था अरे हमने के 12 वर्ष पहले का अमरूद खाया वो याद बना हुआ है तो कहे भले ले हो सिद्धांत का मंत्र साधक है सिद्धांत तो सिद्धों का काम है पूजा कोई है नहीं और जो सिद्ध आपसे बात करें जो और वो भी सिद्ध जो बात करें सिद्ध तो यह नहीं सब साधक है अब साधक में यह है कि आपके पास जो करने की सामर्थ्य है और जो जानने की सामर्थ्य है और जो मानने की सामर्थ्य है ये तीनों सामर्थ्य का क्या आचार डालोगे उपयोग नहीं करोगे आगे करने की सामर्थ्य का क्या उपाय करोगे सिवाय इसके अपने पर ऐसा मान लो हमारे कहने से मान लो आगे सवाल हल हो जाएगा हाँ ये मान लो कि हम पर सभी का अधिकार है तो सभी का अधिकार है क्या करें तो भैया बुराई तो किसी साथ करेंगे नहीं इतना व्यापक हो गया दुरुपयोग कैसे करें अधिकार का वो तो करेंगे नहीं बुराई रहित हो गए अब होने लगी भलाई कोई भलाई है तो हमें दूसरों का अधिकार देना है हमारा किसी पर अधिकार है ही नहीं उसका अभिमान और फल कैसे मांगे तो भलाई के अभिमान और फल से मुक्त हुए और बुराई करने से मुक्त हुए क्या ये एक सहज और स्वाभाविक मानवीय स्वभाव नहीं है क्या रहा है? है सहज है और स्वभाव किसका ये मानवीय स्वभाव है यहाँ आत्मा परमात्मा किताब का पढ़ा हुआ अभी अलग रखना अभी तो सामने मत करना इस मानवीय स्वभाव के अनुसार हम स्वाधीन नहीं हो जाते क्या अपने में संतुष्ट नहीं हो जाते क्या और अपने में संतुष्ट होकर अपने को पाते हैं कि परमात्मा को पाते हैं अपने तो पहले मौजूद थे काय बना संतुष्ट हुए मान लिया संतुष्ट थे अब अपने में संतुष्ट हुए तो जब हम अपने में संतुष्ट हुए
तो कोई जो हमारा था वेद इसकी महिमा गाते हैं, संत इसकी महिमा गाते हैं, भगवान जिसकी जिसका वर्णन करते हैं, उसने हमें कहा अच्छा 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 देख मैं हूँ और तू है मेरी प्रीत और मैं हूँ तेरा प्रीतम, तो प्रीत से तू रस पर दे और मुझे रस दे, और जब उससे नहीं रहा जाता तो प्रीतम स्वयं कहता है मैं जरा प्रीत कर बन के देख। अरे भाई विश्वास के आधार पर ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त होता है, विचार के आधार पर जीव भाव मिथ्या होता है। विचार के आधार पर जीव भाव जो है वो मिथ्या सिद्ध होता है नहीं, और विश्वास के आधार पर ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त होता है। सिमरी के बेर खाने के लिए, गोपियों का माखन खाने के लिए, अरे बिदुरानी के छिलके खाने के लिए, सोचो विचार करो। अब आप एक बात हमें बताओ कि साहब आपको मुक्ति के सिवाय कोई बड़ी चीज दिखाई देती है क्या? सुनते नहीं, हमको मालूम है मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर ईमान में इसे देखा जाए तो जैसे वैराग्य योग का साधन है, वैराग्य हो जाए, राग रहित हो जाए तो योग प्राप्त होता है ना, तो राग रहित और साधन हुआ योग साध्य हुआ। ऐसे ही भैया योग बोध का साधन है और बोध प्रेम का साधन है। आप तो कर्म पत्र चल रही है, अभी हम कर देते हैं, कर्म पत्र आएंगे अभी आ जाते हैं। ये मुक्त होने के बाद भी देखने वाला और देखने वाली चीज रह गई तो वो मुक्ति ही क्यों कही? पहले एक बात बताइए, पहले बताइए, बद्ध के सामने मुक्त का प्रश्न है क्या? मुक्त के सामने वो तो बात दूसरी है, तो उसी से आगे चलेगा ना। अभी विषय हो जाएगा, अभी बात करता हूँ, अभी कर्म की बात करता हूँ। जो लोग ये कहते हैं, यानी हमने विचार करके जीवन में अनुभव करके देखा है कि जिस राग को सभी राग विचार से नहीं मिलाए जाते, कोई हम सच्ची आने का राग मिला नहीं, कैसे मिला दे विचार से नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चे में कहता हूँ चट्टी जाने का राग तभी ना मिटेंगे जो चट्टी हो है। सही काम करने से ही करने का राग निवृत्त होता है, सरकार अकर्मण्य से करने का राग निवृत्त नहीं होता। हम जो एक महात्मा के साथ रहते थे ना, तो हमको जो सोच में डाले ये कभी नहीं करेगा टी मेरा किनारे दो। वो कहते थे कि चट्टी साफ हो जाए तो स्वर्ग का सुख मिलता है। धाधार पकड़ी तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं आपसे एक बात सोचिए, एक बात सुनकर के जो मानी जाती है वो ज्ञान है कि विश्वास? विश्वास नहीं, ज्ञान का है। आप तो विश्वास के पथ को ज्ञान का पथ मानने लगे और ज्ञान के पथ को आपने छोड़ ही दिया, लेकिन ज्ञान और कर्म ये दोनों तत्व आपको अपने में प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते क्या? बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो कर्म का संबंध लोक के साथ है और ज्ञान का संबंध भूल मिटाने में है। क्या भूल मिटाए? मिटाए ये भूल कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य को जो हम अपना मानते थे ये अपनी नहीं है, कितनी भूल मिट गई। जब मिली हुई अपनी नहीं है तो उसी तरह की और चाहे क्या? तो अचार होना और निर्मम होना ये ज्ञान का फल है कि नहीं? अच्छा, निर्मम होने से जो निर्विकारता प्राप्त होती है और अचार होने से जो शांति प्राप्त होती है, विचार कीजिएगा वो शांति स्वतः सिद्ध है या नहीं? वो निर्विकारता स्वतः सिद्ध है कि नहीं? अगर उस निर्विकारता में हम रमण करें और उस शांति में रमण करें तो स्वाधीन हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अच्छा, और स्वाधीनता में संतुष्ट रहे तो पूर्ण हो सकते हैं क्या? हम रहेगा ना वहाँ, हम पूर्ण है, हम तो अपूर्ण है ही है, इसलिए हम दो आपस
नहीं है कि आप वो नहीं है, लेकिन आपको हमारी जरूरत पड़ेगी प्यार पाने के लिए। पूर्ण को पूर्ण भिखारी बनता है प्रेम का, और जो अपूर्ण है वो उसका स्वरूप होता है प्रेम। ये हमारी अपनी मजहबी बात है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि केवल ज्ञान ही से अज्ञान नाश होता है, विश्वास से नहीं होता, कर्म से नहीं होता, कहते हैं वो स्वतंत्र है, कह सकते हैं उनका उसी से नाश हुआ होगा, ऐसा हमें नहीं करना तो नहीं होता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सही काम करके क्या काम रहित नहीं होते, और काम रहित होने पर हम आराम में और हमें पता रहेगा कि काम का ही देखे परमात्मा से हमको किसने दूर किया, संसार के आखिर ने, देखे संसार ने तो संसार का आकर्षण क्या सेवा से नाश नहीं होगा? सेवा कहो, कर्तव्य कहो, धर्माचरण कहो, क्या दूर हो जाएगा? तो संसार नाश हुआ कि संसार का आकर्षण नाश हुआ? अच्छा, शरीर मुक्त हुआ, संसार मुक्त हुआ कि जिसका आकर्षण नाश हुआ वो मुक्त हुआ? तो हम तो कर्म से मुक्त हो गए, अब कहते तो गर्व के कर्म से होंगे मुक्त, करो खंड की ईमानदारी से। हम रहा ना, हम मुक्त हुए, मैं कहता हूँ हम तो उसमें भी रहा, मुक्ति के भोगी में हम रहता है, और जो मुक्ति का भोगी नहीं है उसमें हम नहीं रहता, वो है प्रेम। वो प्रेम प्रेमी में, प्रेमी में रहता है, परमात्मा प्रेम आश्रम में रहता है। बात सुनो, जब हम संकेत करेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेमी की संज्ञा नहीं रही, लेकिन प्रेम का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, नहीं हुआ ना। अच्छा, उस प्रेम का पान करने वाला है कि नहीं? अच्छा, प्रेम ही प्रेम है खाली, ये गलत बात है, ये अनीश्वरवाद की बात है। गॉड इज लव, गॉड इज लव नहीं, गॉड में भी लव है, गॉड लव नहीं है। धन्यवाद है। देखो एक बात सुनो, परमात्मा जैसे परमात्मा ज्ञान ज्ञान विवेकी लोग ज्ञान स्वरूप कहते हैं कि नहीं? सुन तो लो, सुनते जाओ, पर ज्ञान सुनते जाओ, पर ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना। अच्छा, तो ज्ञानी का नाश होगा कि जिसका ज्ञान स्वरूप है उसका नाश होगा? उसका तो नहीं होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात हुई। ऐसे ही प्रेमी का नाश होगा कि प्रेम का नाश होगा? प्रेम का नाश नहीं ना होगा। अच्छा, ऐसे योगी का नाश होगा कि योग का नाश होगा? योग का तो नहीं होगा। तो योग बोध प्रेम रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत सुंदर बात, वही तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा स्वरूप हुआ। सुन तो लो, सुन तो लो, तुम बोल रहे हो कहाँ से आ गया, आ गया कर नहीं आ गया, बोल तो नहीं हो, सुनते जाओ। देखो देखो, यहाँ बात प्यार की है। योग बोध प्रेम तुम्हारा स्वरूप हुआ, और वो जो योग बोध प्रेम है वो परमात्मा की महिमा हुई।